टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि एग्रोबैक्टीरियम किस तरीके से करता है प्लांट को किस तरीके से नेचुरली वो प्लांट में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है और कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है पूरी चीज हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं गाइस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एम एस सी एंट्रेंस के लिए भी एज वेल एज पी एच डी एंट्रेंस के लिए भी तो अच्छे से पढ़ते हैं सो लेट के स्टार्ट लेक्चर गाइस अगर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या करता है ये इन्फेक्ट करता है प्लांट

कॉन्जुगेशन में क्या होता है दो बैक्टीरिया होते हैं उन दोनों के बीच में एक ब्रिज प्रेजेंट होता है जिसको सेक्स सेक्सपिलेस कहते हैं इस ब्रिज के थ्रू एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं सेम इसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया है ये भी क्या करेगा ये भी अपना जेनेटिक मटेरियल प्लांट में ट्रांसफर करेगा प्लांट के एक सेल के पास ट्रांसफर करेगा किसके थ्रू करेगा इन दोनों के बीच में भी एक चैनल की फॉर्मेशन होगी और ये इस तरीके से चैनल के थ्रू अपने जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफर करेगा प्लांट के अंदर तो ये किस तरीके से करता है पूरा प्रोसेस कैसे सक्सेसफुल करता है इसी के बारे में हमें पढ़ना है तो अगर हम यहाँ पे देखिए जो एग्रो बैक्टीरियम है, सबसे पहली बात की अपने जेनेटिक मटेरियल में भेजता है क्या है प्लांट को क्या स्पेसिफिक चीज ये भेजता है तो यहाँ पर अगर हम देखें ये ना एक पार्ट भेजता है अपने प्लाज़मिड का जिसका नाम होता है टी आई प्लास्मिट टी आई प्लाज्मिट की फुल फॉर्म क्या होती है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिट नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा ट्यूमर को इंड्यूस करेगा किसमें ट्यूमर करेगा प्लांट में ट्यूमर करेगा अगर हम यहाँ पे प्लाज्मिड प्लाज्मिड को समझे क्या होता है जैसे कि मैंने कहा ये एक बैक्टीरिया है बैक्टीरिया के पास तो एक तो एक मेन उसका कंटेंट होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम क्रोमोसोम के अलावा उसके पास एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड ये जो प्लाज्मिड होता है ना क्रोमोसोम से अलग होता है इसलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और ये कैसा होता है ये सेल्फ रेप्लीकेटिंग मॉलिक्यूल होता है यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ये अपनी कॉपी अपने आप बना सकता है ये बिल्कुल सेल्फ रेप्लीकेटिंग होता है तो इंडिपेंडेंट होता है तो यहां पर ये क्या करता है यहां पर ये प्लांट्स में जाके एक डिजीज कॉज करता है फिर ट्यूमर क्रॉस करता है जिसको बोलते हैं क्राउन गॉल यहां पे इसको क्या बोला जाएगा क्राउन गॉल डिजीज ये किस में जाके करता है प्लांट्स में जाके करता है ऐसे यहाँ पर एक और होता है जिसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजी एक या और यहाँ पे एक है एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशन एक है यहाँ पे राइजोजी ये भी कैसा है ये भी सेम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ये भी क्या करता है ये भी प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है इसका जो प्लाजमिट होता है उसका नाम होता है आर आई प्लाज्मिट आर आई प्लाज्मिट यानी कि रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिट और ये कौन सा डिसऑर्डर करता है ये प्लांट में करता है रूट रूट डिसऑर्डर डिजीज ये प्लांट्स में कॉज करता है तो इतनी बेसिक बात तो हमें समझ में आ गई अब जैसा कि मैंने अभी आपको दो मिनट पहले कहा कि क्या ट्रांसफर होता है प्लाज्मिट का एक हिस्सा ट्रांसफर होता है तो हम सबसे पहले इसके प्लाज्मिट का स्ट्रक्चर जान लेते हैं सो दैट हमें चीजें बहुत आसानी से समझ में आए तो यहां पर समझे इस तरीके से मैंने कहा ये जो इसका प्लाज्मिट है गोल इसका प्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट है इस प्लाज्मिट में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक यहाँ पे रीजन प्रेजेंट होता है जो कि होता है ओराई रीजन ओराई रीजन का मतलब क्या ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन अगर किसी को भी रेप्लीकेट होना है तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन होना चाहिए तभी वो रेप्लीकेट हो पाएगा इसके अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट होता है इसके अलावा इसके पास एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वायरुलेंस रीजन ये वाला जो रीजन है ये इन्फेक्शन करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये रीजन प्रेजेंट नहीं होगा ना तो यहाँ पे प्लाज्मिट जो है उसका हिस्सा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा प्लांट में इसके अलावा जो एक्चुअल में रीजन पास होता है उसका नाम क्या है उसका नाम होता है टी डी एन ए यानी कि यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक रीजन है टी डीएनए ये जो होता है इसको ट्रांसफर किया जाता है बाकी पूरा प्लाज्मिड ऐसा कैसा रह जाता है ये जो टी डीएनए वाला ऐसा इसको ट्रांसफर किया जाता है अगर हम यहाँ पे देखें टी डीएनए के पास बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एक जीन अगर मैं बोलू एक जीन होता है ऑक्सीजन के लिए एक जीन की अगर हम बात करें तो एक होता है साइटोकाइनिन के लिए एक जीन अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो होता है ओपाइन के लिए ये सारे के सारे जीव जो है एक्चुअल में करना क्या चाहता है ये ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन अगर आपको पता होगा प्लांट में सेल डिविजन करवाता है तो ये टी डीएन ए यही तो चाहता है प्लांट में ट्यूमर करना चाहता है यानी कि प्लांट के सेल डिवीजन को बढ़ाना चाहता है तो ये उसी रोल में प्ले उसी रोल में हेल्प करते हैं अगर हम यहाँ पे देखें ये जो टी डीएन ए होता है इसके दोनों तरफ कुछ बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर ये जो राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर है ये नहीं चाहते इनका ट्रांसफर नहीं होता है टी डी एन ए के साथ ये सिर्फ हेल्प करते हैं टी डी एन ए को ट्रांसफर करने के लिए तो यहाँ पर इस तरीके से लेफ्ट और राइट बॉर्डर प्रेजेंट है ये जो टी डीएन ए होता है ये लगभग 15 से लेकर तीस केबी का साइज का इसका होता है इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पर ये जो राइट बॉर्डर होता है 25 के बेस पेयर से बना होता है और लेफ्ट बॉर्डर भी कितने से बना हुआ है 25 बेस पेयर से बना होता है अगर समझिए यहां पर मैंने क्या कर दिया मैंने यहाँ पे राइट बॉर्डर को डिलीट कर दिया अगर राइट बॉर्डर को मैंने डिलीट कर दिया तो ट्रांसफर होगा ही नहीं एक कंडीशन मैंने बोली इफ आई डिलीटेड इफ आई डिलीटेड राइट बॉर्डर अगर राइट बॉर्डर डिलीट हो गया तो वो अबॉलिश तो कर देगा ट्रांसफर को ट्रांसफर को होने ही नहीं देगा टी ने बोलेगा मैं जा ही नहीं सकता अपने राइट बॉर्डर को डिलीट कर दिया तो राइट बॉर्डर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर करने के लिए और इसके अलावा जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा ये जो ओवर प्रोडक्शन होगा प्लांट्स में जाके किसका ओवर प्रोडक्शन होने वाला है फाइटो हार्मोन का क्योंकि फाइटो हार्मोन प्लांट्स के खुद के पास तो है ही ऑक्सीजन और साइटोकाइन हमने बाहर से और दे दिए जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्लांट में क्या इंड्यूस होगा ट्यूमर इंड्यूस होता है अगर मैं यहाँ पर टी टीडीएनए के आपको कुछ जीन्स का स्पेसिफिकली नाम बता दूं जैसे कि मैंने कह दिया कुछ जीन ऑक्सीजन बनाते हैं कुछ जीन साइटोकाइनिन बनाते हैं तो उनके स्पेसिफिक नाम हम जान लेते हैं एक होता है ओ सी एस चीन और एक होता है एनओ एस ये जो दो दिन जीन होते हैं ये क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये बनाते हैं ओपाइन के सिंथेसिस करते हैं तो ये क्या है जीन हमें पता है जो प्रोडक्ट होता है प्रोटीन होता है वो जीन से बनता है तो इस तरीके से इसके अलावा यहां पे इसके पास होता है टीएमएस वन और टीएमएस टू ये दोनों क्या बनवाते हैं ये दोनों बनाते हैं ऑक्सीजन हॉर्मोन को इसके अलावा यहाँ पे होता है टी एम आर और टी एम एन ये किसके सिंथेसिस करते, है? करते हैं ये सिंथेसिस करते हैं साइटोकाइन ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है टी डी एन ए के जीन इसके अलावा यहाँ पर तीन और होते हैं जिनका नाम होता है एफ आर एस एम ए एस और एक और होता है जिसका नाम होता है ए जी एस ये तीनों के तीनों क्या करता है ये तीनों के तीनों भी ओपाइन के सिंथेसिस करते हैं तो दीज आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस तो ये कुछ जीन होते हैं टी डी एन ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिनका ट्रांसफर होने वाला है अब मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि ट्रांसफर के लिए कौन कौन रोल प्ले कर रहा है ट्रांसफर के लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक तो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं बॉर्डर रीजन उसके अलावा यहाँ पे और कौन रोल प्ले कर रहा है उसके अलावा यहां पे रोल प्ले कर रहा है वायरुलेंस जीन वायरुलेंस जीन भी यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं तो हम इस वायरुलेंस के बारे में बात करते हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं किसमें ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं तो ये किस तरीके से होते हैं की अगर हम बात करें तो ये ओपेर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपको पता होगा बैक्टीरिया के पास ओपेर में क्या प्रेजेंट होते हैं ओपेरॉन में जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो इनके पास क्या प्रेजेंट है ओपेरॉन प्रेजेंट है इन ओपेरॉन के नाम क्या होते हैं विर ए विर बी विर सी विर डी विर ई e, विर एफ विर इस तरीके से इसके पास बहुत सारे ओपेर प्रेजेंट होते हैं इन सभी ऑपेरॉन्स के जो पास है जींस का नंबर अलग अलग है ऑपेरॉन मतलब मैं अगर आपको फिर से समझा दू थोड़ा सा तो यहाँ पे प्रमोटर होता है प्रमोटर के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ऑपरेटर रीजन इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जीन तो यहां पर एक जीन भी प्रेजेंट हो सकता है यहां पे दो जीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे तीन बहुत सारे जीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उसको आप ऑपेरॉन कहते हो तो यहाँ पर जो ए वाला है इसके पास कितने जीन होते हैं इसके पास सिर्फ एक ही जीन प्रेजेंट होता है सी वाले के पास सिर्फ दो जीन प्रेजेंट होते हैं डी वाले के पास चार है ई के पास दो है, e होते हैं ई e के पास दो होते हैं और एफ के पास वन प्रेजेंट होता है लास्ट बच्चा जी जी के पास भी कितने जीन प्रेजेंट है एक जीन प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं ये ऑपेरॉन है तो ये दूसरी चीज होती है और तीसरी जो चीज ट्रांसफर करने में मदद करती है वो होता है क्रोमोसोमल वायरुलेंस जीन क्रोमोसोमल वायरुलेंस जीन मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि एक होता है और एक क्रोमोसोम होता है दो चीजें यहां पे होती है एक क्रोमोसोम होता है और ये प्लाज्मेड होता है तो जो तीसरा हिस्सा मदद कर रहा है वो एक्चुअली क्रोमोसोम का हिस्सा इसलिए हम उसे क्रोमोसोम वायरुलेंस जीन कह रहे हैं ये किस पे लोकेट हो रखा है ये लोकेट हो रखा है ऑन क्रोमोसोम और ये भी किस में मदद करता है ये भी यहाँ पे मदद करने वाला है ट्रांसफर करने में तो अब किस तरीके से कहानी चलती है कैसे शुरुआत होती है ट्रांसफर की हम यहाँ पे वो चीज देखते हैं ट्रांसफर एक्चुअली प्लांट ही करता है प्लांट ही यहाँ पे मैसेज भेजता है कि आओ मुझे इन्फेक्ट करो एक्चुअली यहाँ पे अगर वंडेड प्लांट होता है ना वेड प्लांट यानी कि जिसको घाव लगा हुआ है वो क्या रिलीज करता है वो यहाँ पे फिनोलिक मॉलिक्यूल रिलीज करता है सॉइल में वो यहाँ पे क्या करने वाला है फिनॉलिक्स मॉलिक्यूल रिलीज करता है सॉइल में फिनोलिक मॉलिक्यूल में ये स्पेसिफिकली क्या रिलीज करता है एसिटो ये रिलीज करता है किसको रिलीज करता है एसीटो स्रिंगॉन को ये स्पेसिफिकली रिलीज करता है ये एक फिनोलिक मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा ये अब जाता है बैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया इसको रिकॉग्नाइज करता है और इसको रिकॉग्नाइज करके पूरे ट्रांसफर को इनिशिएट करता है तो किस तरीके से होता है हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये क्या है ये बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहां पर क्या है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है अंदर की तरफ इसका साइटोप्लाज्म है और ये बाहर है ठीक है यहां पर इसकी मेम्ब्रेन है इसको मैं बोल देती हूँ बैक्टीरियल मेंब्रेन अब यहां पर इसके मेमब्रेन पे कौन आके बैठ गया इसके मेम्ब्रेन पे आ गया फिनोलिक मॉलिक्यूल अब इस फिनोलिक मॉलिक्यूल को इस बैक्टीरिया को पहचानना पड़ेगा तो इस मॉलिक्यूल को पहचानेगा कैसे इसके पास यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो यहाँ पर ना दो चीजें होती हैं एक होता है विर ए और एक होता है विर जी ये दोनों के दोनों इस बैक्टीरिया में कैसे एक्सप्रेस होते हैं दोनों के दोनों बैक्टीरिया में कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होने का मतलब है कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होते ही रहते हैं होते ही रहते हैं जैसे हमारे हमारी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते ही रहते हैं बोलते रहते हैं हम बोलते हैं, बोलते हैं भाई चुप हो जाओ वो चुप होने का नाम ही लेते बोलते ही रहते हैं बोलते ही रहते हैं ऐसे है यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो ऑपेरॉन है ये बैक्टीरिया में कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट बनाते रहते हैं प्रोटीन बनाते रहते हैं तो इन्हीं में से ये एक प्रोटीन दैट इज विर ए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे विर ए प्रेजेंट रहता है फिर ए जो है वो किस तरीके से वर्क करता है ये वर्क कर रहा है सेंसर काइनेस के तौर पे सेंसर काइनेस के तौर पे वर्क करने का मतलब है कि ये सेंस कर रहा है फिनोलिक मॉलिक्यूल को और काइनेस की एक्टिविटी शो कर रहा है काइनेस का मतलब क्या होता है फॉस्फोराइलेट करना यानी कि एड करना फॉस्फेट ग्रुप को तो इसके पास क्या होता है विर ए के पास हिस्टिडीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है ये क्या करता है ये खुद का ही ऑटोफॉस्फोराइलेशन कर देता है किसी और का फॉस्फोराइलेशन नहीं किया इसने खुद का ही फॉस्फोराइलेशन कर लिया तो फिर ए ने क्या किया फिर ए ने यहां पे फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन कर लिया किसका खुद का किया इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑटोफॉस्फोराइजेशन और कहा किया है हिस्टिडीन अमाइनो एसिड पे उसने ऑटोफॉस्फोराइजेशन किया अब जब ये विर ए इसको पहचान रहा था ना तो ये विर ए अकेला इस मॉलिक्यूल को नहीं पहचानता है इसकी मदद भी की जाती है इसकी मदद कौन करता है सी एच करता है सी एच वी क्या है सी एच वी यही है क्रोमोजोमल वायरुलेंस जीन तो क्रोमोसोमल वायरुलेंस जीन यहाँ पे फिनोलिक मॉलिक्यूल को पहचानने में किसकी मदद करता है विर ए की मदद करता है यहां पर एक बार इसको ऑटो ऑटोराइजेशन हो गया अब ये जो विर ए है ना ये क्या कर देगा ये ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा ये खुद के पास इस फॉसफेट ग्रुप को नहीं रखेगा ये इस येफेट ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा किसी और मॉलिक्यूल के पास और वो मॉलिक्यूल यहां पे कौन होगा ये मॉलिक्यूल यहां पे विर जी होगा सिर्फ यही दो है जो बैक्टीरिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हो रहे हैं तो वेर जी के पास एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एस्पार्टेट अमाइनो एसिड ये जो फॉस्फेट है ये फॉस्फेट कहां आ जाएगा इस एस्पार्टेट अमाइनो एसिड पे आके बाइंड हो जाएगा अब ये जो वेर जी है ये क्या होता है ये होता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर ये क्या करने वाला है ये रिस्पॉन्स करवाएगा अब इसका काम है वीर ने अपना मैसेज दे दिया वीर जी का काम है काम करवा यहां पर अब ये जो वीर जी है ना ये क्या करेगा ये एक बॉक्स पे जाके बाइंड करेगा उस बॉक्स का नाम होता है वीर जीन एंडहसो

उसी के साथ साथ यहां पर एक और होता है विर डी वन जो इसका जो क्या होता है जो होता है यहाँ पे टोपो आइसोमरेज जो क्या है टोपो आइसोमरेज है और ये हेल्प करता है विर डी टू को इसका काम होता है कि वीर डी टू की मदद करे कटिंग करने में तो यहां पर किस तरीके से कहानियां हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं समझो मैंने यहाँ पे प्लाजमिट का एक हिस्सा बनाया है यहाँ पर हमें पता है दोनों तरफ टी डीएनए के राइट बॉर्डर प्रेजेंट होता है और लेफ्ट बॉर्डर प्रेजेंट होता है यहाँ पे प्रेजेंट है लेफ्ट बॉर्डर यहाँ पे प्रेजेंट है राइट बॉर्डर यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है टी डीएनए ठीक है अब यहां पर कौन आएगा यहां पर आ जाएगा हमारा एक मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है विर डी टू विर डी टू यहाँ पे आके क्या करने वाला है यहां पे आके वो कट लगाने वाला है यहाँ पे अगर हम देखिये ये जो आरबी है ना ये आरबी यानी कि ये जो राइट right बॉर्डर है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है इसके पास एक एनहेंसर एलिमेंट प्रेजेंट होता है इसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एनहेंसर एलिमेंट यानी कि वो एनहेंस करेगा इस कटिंग को तो यहाँ पर इस एनहेंसर एलिमेंट को पहचानने के लिए कौन आते हैं यहाँ पर एक और विर आता है जिसका नाम है विर सी टू और उसी के साथ साथ यहाँ पे आता है विर सी ट्वेल्व यहाँ पे ये दोनों विर भी एंट्री मारते हैं ये दोनों विर क्या करने वाले हैं ये दोनों विर जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे रिकॉग्नाइज करेंगे एनहेंसर एलिमेंट को और एनहेंसर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करके इन शॉर्ट इसको हेल्प करेंगे कटिंग करने में तो यहां पर ये भी क्या कर रहे हैं ये भी इसमें हेल्प कर रहे हैं कटिंग में तो ये एनहेंस कर रहे हैं कटिंग को एनहेंस द कटिंग तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यहां पर इस तरीके से कट लग जाएगा तो कट लगने के बाद हमारे पास किस तरीके से कंडीशन आएगी ये देखो इस तरीके से हमारे पास आएगी और यहां पर ये यह जो टी डीएन ए वो कट चुका है यहां पर इस तरीके से हमने बोल दिया कि ये टी डीएन ए था अब एक बार जब हमने यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड पे कट कर दिया है तो अब हमें इस सिंगल स्ट्रैंड को अलग करना होगा हमें ये टी डीएन ए का सिंगल स्ट्रैंड चाहिए तो यहाँ पे किस तरीके से होता है समझिए यहाँ पे कट लगा तो इसके फाइव प्राइम एंड है इसका थ्री प्राइम एंड है सिमिलरली यहाँ पे थ्री प्राइम एंड है यहाँ पे फाइव प्राइम एंड है यहां पर क्या होगा यहां पर इसकी सिंथेसिस फिर से कंटिन्यू होगी यहां पर सिंथेसिस का क्या मतलब है जैसे कि अब ये टी डीएनए थोड़ा थोड़ा निकलता जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर डीएनए पॉल आके फिर से सिंथेसिस शुरू कर देगा तो जैसे जैसे डीएनए पॉल यहाँ पे सिंथेसिस करते रहेगा जो टी डीएनओ खिसकता 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 जाएगा फाइनली यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन किस तरीके से आ जाएगी कि यहां पर ये जो टी डीएनए है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा और यहाँ पर इसकी सिंथेसिस कंटिन्यू होती जाएगी और ये जो हमारा टी डीएनए वो सेपरेट हो चुका है क्योंकि तो उसकी जगह आप किसी और ने ले ली ना तो वो आराम से सेपरेट हो जाता है तो यहाँ पर अब इस टी डीएनए का फाइव प्राइम एंड है यहाँ पे थ्री प्राइम एंड है इसका जो फाइव प्राइम एंड है इससे विर डी टू बाइंड रहता है विर डी टू यहाँ पे सेपरेट नहीं होता इससे बाइंड रहेगा कैसे अटैच रहता है डीएनए से जो फिर डी टू का है उसका टाइरोसिन अमाइनो एसिड अटैच रहेगा टाइरोसिन अमाइनो एसिड और वो डी टू रिमेन्स अटैच विद डीएनए तो इस तरीके से विर डी टू इससे अटैच रहता है अब यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास टी डीएनए जो है वो तैयार है टी डीएनए यहाँ पे बिल्कुल तैयार है वो जाने को अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर हम एक बैक्टीरिया को लें तो बैक्टीरिया के पास बहुत सारी मेंब्रेन होती है और उसी के साथ साथ प्लांट सेल के पास भी बहुत सारी मेम्ब्रेन है जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें बैक्टीरिया के पास कौन कौन सी मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के पास उसकी प्लाज्मा मेंब्रेन है तो ये जो हमारे पास जीन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर क्रॉस करना पड़ेगा उसी के साथ साथ उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है उसी के साथ साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसके पास आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है तो ये सारी लेयर्स उस उस, उस बेचारे हमारा जो डीएनए उसको क्रॉस करनी पड़ेगी सिमिलरली प्लांट के पास भी होती है सेल वॉल एंड उसी के साथ साथ उसके पास भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इतनी सारी मेम्ब्रेन इस डीएनए को क्रॉस करके जाना है वो कैसे क्रॉस करके जाएगा हाउ इज इट पॉसिबल कि वो क्रॉस करके जाएगा तो हम इसी चीज को अब नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं तो समझिए मैंने कहा इस तरीके से हमारे पास ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास ये है सेल किसका सेल है ये आ, ये कौन सा सेल है एग्रो है यानी कि ये हमारा बैक्टीरिया है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन है दूसरी तरफ यहाँ पे हम एक सेल बना देते हैं ये सेल किसका ये प्लांट सेल है पूरा का पूरा सेल हमने बना दिया है प्लांट सेल

इस चैनल का नाम क्या होता है इस चैनल का नाम होता है टी फोर एस एस टी फोर एस एस की फुल फॉर्म क्या है टी फोर एस एस की फुल फॉर्म होती है टाइप फोर सिक्रीशन सिस्टम तो यहां पर ये यह किस तौर पे प्रेजेंट होता है यहां पर ये यह यह चैनल के तौर पे प्रेजेंट है ये चैनल है इस चैनल के थ्रू यहां पे क्या होगा इस डीएनए का ट्रांसफर होगा अगर हम ये देखें चैनल किसने बनाया है तो ये चैनल बनाते हैं विर B1 से लेकर विर B11 बी के जितने भी होते हैं B1, B2, B3, B4, B5 इस तरीके से और उसी के साथ साथ विर D4 ये सारे के सारे मिलके अजेंबल करते हैं चैनल को और इस चैनल के सिंथेसिस करते हैं विर B1, 2, 3, 4 है इलेवन तक और D4 इनकी वजह से चैनल बनता है और इस चैनल के थ्रू क्या कर पाते हैं यहां पर ये जो डीएनए इसका यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है तो यहां पर इस तरीके से बना देती हूँ इस डीएनए का ट्रांसफर इस तरीके से डीएनए का ट्रांसफर हो गया इसके पास यहाँ पे फाइव प्राइम है थ्री प्राइम है और यहां पर इसके साथ फाइव प्राइम पे कौन अटैच है, विर है। विर इसको कट होने से भी बचाता है डीएनए को अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विर डी का और इसका डी का ही ट्रांसफर नहीं होता है यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो भी इससे पास करते हैं जो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर एक तो होता है विर डी फाइव विर डी फाइव भी जाता है उसी के साथ साथ यहाँ पर होता है विर ई टू वो भी जाता है उसके अलावा विर ई थ्री भी जाता है और उसके अलावा विर एफ भी जाता है तो ये सारे जो विर हैं इनका भी इंडिविजुअली ट्रांसपोर्ट होता है ये भी क्या होगा इनका भी इंडिविजुअली ट्रांसपोर्ट होगा इंडिविजुअली ट्रांसफर होंगे तो इस तरीके से अब ये सारे विर भी गए और ये भी यहां पे आ चुका है अगर हम यहां पर देखें अब हमारे पास ये डीएनए है इसको हमें किसके अंदर लेकर आना है इसको हमें प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर लेकर आना है तो इसको हम प्लांट के न्यूक्लियस में किस तरीके से लेकर आएंगे हम ये देखते हैं यहां पर हमारे पास सेम इस तरीके से प्रेजेंट है ये हमारे पास ये कंडीशन है यहां पर एक एक जो विर E2 है ना इसके पास कौन सा चीज प्रेजेंट होती है यहां पर ये यह जो विर E2 है इसके पास डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी होती है ये किसके साथ बाइंड होगा ये डीएनए के साथ जाके इस कंडीशन में बाइंड होगा अब इस पूरे के पूरे चीज को आप क्या बोलोगे इस पूरे के पूरे चीज को बोला जाता है टी कॉम्प्लेक्स टी कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं ई टू उसी के साथ साथ डीएनए अब यहाँ पर ये जो विर E2 है और उसी के साथ साथ विर D2 है इनके पास कौन सी सिग्नल होता है इनके पास न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग सीक्वेंस होता है न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब है कि इनके पास एक ऐसा सिग्नल है जो कि इस पूरे के पूरे हमारे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस के अंदर ले जा सकता है तो यहां पर अब कैसी स्थिति आएगी यहां पर इस तरीके से आ गया न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास प्लांट के पास ऑब्वियसली बात है खुद का जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होगा अब यहां पर क्या होगा ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ आ चुका है यहां पर इस तरीके से आ चुका है एक बार जब आ चुका है अब हमें क्या करना है इस डीएनए को प्लांट के जिनोम के साथ हमें इंटीग्रेट करना है क्या करना है प्लांट के जिनोम के साथ इंटीग्रेट करना है तो ये इंटीग्रेशन कैसे होती है रिकॉम्बिनेशन से होती है अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डीएनए का एक्सचेंज हो सकता है दो क्रोमोजोम से हम डीएनए का एक्सचेंज कर सकते हैं कुछ हिस्सा एक्सचेंज कर सकते हैं रिकॉम्बिनेशन से तो यहां पर कैसा एक्सचेंज होगा यहां पर होगा नॉन होमोलॉगस एक्सचेंज यहां पर होगा नॉन होमोलॉग रिकॉम्बिनेशन और नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से ये जो हमारा पार्ट है बैक्टीरिया का डीएनए है वो किससे हो जाएगा ये प्लांट से जाके हो जाएगा प्लांट के जिनोम से जाके हो जाएगा और एक बार ये प्लांट के जिनोम से जाके ज्वाइन हो गया है तो ये अब क्या कॉज करेगा ये अब ट्यूमर कॉज करेगा तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन के जीन का डीएनए का इसके अंदर अगर हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा इन सब विर का एक्टिविटी देख ले कि विर क्या क्या होते हैं तो विर ए जो है वो कैसा होता है वो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज होता है या सेंसरी काइनेज होता है और ये किसको रिकॉग्नाइज करता है ये यह यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है फिनोलिक ग्रुप को ये फिनॉलिक ग्रुप को रिकॉग्नाइज करता है इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ विर वन टू लेकर विर इलेवन उसी के साथ साथ अगर हम बात करें विर डी फोर की तो ये क्या होता है ये अजेंबल होते हैं और अजम्बल होने के बाद ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं फॉर्म करते हैं टी फोर एस एस चैनल को जिसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर होना पॉसिबल हो पाएगा उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें विर डी वन की तो विर डी वन यहाँ पे किसका काम करते हैं का, का काम करते हैं और ये सिंगल स्टैंडर्ड हमारा यहाँ पे किसके सिंथेसिस करेंगे डीएनए के सिंथेसिस करेंगे उसके अलावा यहाँ पर होता है विर डी टू जो कि क्या है जो कि टोपो आइसोमरेज है टोपो आइसोमरेज के साथ साथ ये क्या करता है हेल्प करता है विर डी वन की ये क्या करने वाला है हेल्प करने वाला है विर डी वन की उसके अलावा यहाँ पर था फिर C12 और उसी के साथ साथ विर C2 था ये दोनों क्या कर रहे थे ये दोनों भी आरबी के एक सीक्वेंस से बाइंड हो रहे थे इसके अलावा यहाँ पर वीर ई है इसके पास क्या है इसके पास न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग सीक्वेंस है न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग सीक्वेंस के बाद ही जो सीक्वेंस है हमारा अंदर जा पाएगा तो इसके पास न्यूक्लियर या लोकलाइज़िंग सीक्वेंस प्रेजेंट है, है जिसको बोला जाता है एनएलएस जिसके वजह से डीएनए अंदर जा पाएगा न्यूक्लियस के इसके अलावा फिर ईवन होता है जो कि स्टेबलाइज़ करेगा E2 को इसका काम होता है कि E2 को स्टेबलाइज़ करे इसके अलावा यहां पर फिर एच भी होता है जो कि होस्ट स्पेसिफिसिटी का काम करता है ये होस्ट को स्पेसिफाई करता है तो ये होस्ट स्पेसिफिसिटी का काम करता है तो इस तरीके से यहां पे ट्रांसफर होता है इसी के अलावा मैं यहाँ पे आपको एक और स्टेप बता दूं कि यहां पर एक बार जो सिंगल स्टैंडर्ड एंटर करता है ये सिंगल स्टैंडर्ड टी डीएनए जो है पहले कन्वर्ट होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यानी कि इसका क्या होगा इसका रेप्लीकेशन होगा एक बार इसका रेप्लीकेशन हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर फिर ये क्या करता है फिर ये यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रेट होता है तो यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विल बी कन्वर्टेड इन टू दबल स्टैंडर्ड देन ओनली इट विल बी इंटीग्रेटेड विद द न्यूक्लियर क्रोमोसोम और ये सारा प्रोसेस होता है न्यूक्लियस में होता है तो हम इसको यहाँ पर इन शॉर्ट में लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस में क्या चल रहा है न्यूक्लियस में सिंगल स्टैंडर्ड डी डीएनए और उसके बाद ही क्या होगा उसके बाद ये इंटीग्रेट होगा हमारे न्यूक्लियर क्रोमोसोम के साथ तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है अगर हम इसको शॉर्ट में फिर से देख ले तो यहाँ पर पूरी कहानी किस तरीके से हमने देखी थी कि यहाँ पे तीन चीजें जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसफर करने के लिए बैक्टीरियल डीएनए को इन दी प्लांट इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था कि शुरुआत कैसे होती है प्लांट जो है फिनोलिक मॉलिक्यूल रिलीज करता है जो विर ए से बाइंड होता है विर ए ऑटोफॉस्फोराइलेट होता है फिर जी को ट्रांसफर करता है, जिर विर एनेंसर से होता है। फिर डी टू जो होता है वो कट करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अलग होता है फिर विर डी इससे बाइंड रहता है उसके बाद यहाँ पर क्या होता है उसके बाद बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं और विर बी से लेकर बी और बी डी जो है जो है वो चैनल बनाता है जिसकी वजह से ये ट्रांसफर होता है उसके अलावा ये सारे जितने भी वेर है इनका भी ट्रांसफर होता है और E2 जो है यहाँ है पे आके बाइंड होता तो इसको टी कॉम्प्लेक्स कहते हैं फिर यहाँ तो न्यूक्लियस तो में लेकर जाता है इस टी कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर ये सिंगल डीएनए डबल स्ट्रांडर्ड में होगा और नॉन होमोलॉगस से इनका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा जब ये यहाँ के जीन्स चले जाएंगे प्लांट के क्रोमोसोम में तो फिर वो क्या करेंगे वो ट्यूमर इंड्यूस करेंगे तो ये सारा इसके बारे में